अच्छा जी दोस्तों, कुछ रابطہ इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वहाँ से ही दोबारा शुरू करते हैं। आपको दिखा रहे थे वो कबूतर जिन्होंने माशाल्लाह ओमान के अंदर 139 139 घंटे बनाए। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ए टैडी कबूतरी है जनाब, ऐसा चपड़ो ना, मैं दिया कदर खाना अंदर लाइट है, तुम छोड़ दो मैं दिखा देना। अच्छा जी, एक कबूतरी का दसो जी शाह जी। ए टैडी कबूतरी है 54 नंबर। ए माशाल्लाह ये पहले दो बैठी है सन ना, 5:44 मिनट। अच्छा, ए कबूतरी बैठी है दूसरी का शौक है। लो जी, ये 139 घंटे वाले रिकॉर्ड में सबसे पहले ये 5:46 आ जाए जी, आ जाए आप लोग, आ जाए। जी शाह जी, दूसरी माशाल्लाह भी 5:46 पे बैठी है। ऐसा सच पढ़ो गोल्डन पट्टी, सारे पट्ठियां पट्ठे ने जी, दो तीन कबूतर बड़े आज पिछले साल वाले। ये भी जी 546 5:46 पे बैठी है। ते पर भी दिखाओ शाह जी, छोड़ो इन्हें। ये दो मादियां जी 546, जी 6:21 बैठी है जो पट्टी। ऐसा छोड़ ले जी, 6:21 इसका टाइम था जी, दो रिकॉर्ड वाले दिन। अच्छा बिल्कुल जी, यंग ब्लड। पर दिखाओ शाह जी, हां देखो पंजा पर आंदे ना फिर दोबारा जी, पट्टियां पट्ठे ने पट के साबित नहीं किए थे, दूरी वाली उन दस्ता पूरा कर दिया। ठीक हो गया, बहुत अच्छी नस्ल है जी मेरे को, दूसरे कुटुंबे भी ने, सलारे भी ने, चीने भी ने, क्योंकि इन्हां दी दादी जिहड़ी पिछे चीनी है। 633 पारे भी छेवा पूरा कर देते। मलिक साहब, वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब जी, शाह जी मैं पट्ठी माशाल्लाह 1 नंबर, पिछले साल भी कपाई बहुत अच्छी उड्डी, सारिया शाम नहीं फिरता ने लिए माशाल्लाह। ये भी 6:33 बैठी है माशाल्लाह। सारी इतने रतूबे की मार है, देखा पर किस तरह हो गया। हाँ पर खराब हो, जी जी मलिक साहब जी जरूर देने जी। जी शाह जी, माशाल्लाह काले पल्ले वाला जी,
जी तीसरा सीजन जी पट्ठे न। अच्छा ते घर दे ही माशाल्लाह ये बैठा है जनाब 6 45 ते मसले दियां वी वांडे वांडे विच करवादा रात रात दियां एक वारी तौर सलाले तक आ पाया ते आई बादर कबूतर होया सी। अच्छा माशाल्लाह उस दिन किन्ने बजे बैठा सी? उस दिन तकरीबन सद आखिरी टाइम सी कोरोना दी वजह तो। अच्छा अच्छा सद करीब बैठा सी। हां हां पास दा दिखाओ जी बड़ा काले पले वाला जी माशाल्लाह और बहुत शानदार बहुत अक्ल वाला कबूतर जी सर जी है टैडी पट्ठा माशाल्लाह पिछले साल 9 परांदा सी रात रात दी पटका ने कपां माशाल्लाह इन्हें बहुत दफा मेरे चैंपियन पिछले साल भी बनाया ऐसा लग एदा बहुत किन्ने बजे उस दिन बैठा जी ये बैठा है जी जनाब 7:18 माशाल्लाह मेरे हिसाब से इंसान टैडी बाकी जो भी है अल्लाह दी जात बेहतर जानदी है बहुत अक्ल वाला पट्ठा टाइम में इतनी जल्दी नहीं जाना जिन्ना चेहरा अपना बनाना नहीं जिस दिन मैदान तुते हो जाना फिर शामा शुरू माशाल्लाह बाकी भैन भ्रा माशाल्लाह बहुत अच्छे उठते हैं बहुत अक्ल वाला बहुत समझदार कबूतर मौसम खराब होना नशा होना शिकरा बैरी आया अपना घर छड़ देना ले जी 2 4 6 7 हो गए हैं जी माशाल्लाह है माशाल्लाह जी साडा बहुत ही प्यार वाला कबूतर तीसरे साल च आ गया अलहम्दुलिल्लाह लगन पैरियां तो बचदा है जी बहुत ही प्यार वाला और इन भी मेरे नाल बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा माशाल्लाह बाकी कबूतर जाल ही ले कचरा खाने की कोशिश करते ने शामी ये मेरे नु दे दे जाल तो शहर जा रहे ने अंदर जा रहे ने इन कचरा नहीं खाना वाह ये समंदर खाना है और फेसबुक पे मैं काफी दुहा ला समंदर खान समंदर खान माशाल्लाह बहुत ही और क्लास कबूतर माशाल्लाह लो जी समंदर खान बहुत किरदार है इस कबूतर ये कितने बजे बैठा जी उस दिन ये तकरीबन जनाब 7:30 ने बैठा है 7:27 727 माशाल्लाह लो जी समंदर खान का शौक करो जी बाकी इधर सारे सारे जानते हैं बड़ी अच्छी तरह चलो जी इंशाल्लाह कदे भी दिन की फिरता नहीं इन्हें दी ये भी पर्दा शौक कराइए जी माशाल्लाह जी सर जनाब बहादुर जी ने डबल स्टैंप लगाई सी। अच्छा माशाल्लाह दियां तकरीबन 3-4 फिरता दिन दियां जे बाकी 15-20 फिरता सारियां रात किसी दिन भी दिन नहीं बैठी किन्ने बजे डबल स्टैंप वाली ये बैठी है ये 7:33 ते 7:33 जी माशाल्लाह पिछले साल भी माशाल्लाह अच्छियां फिरता 7 बजे दियां 6:30 दियां 6 तो पार पार दियां फिरता हूं तकरीबन 20 फिरता दे उत्ते रात ही बैंदी रही काले पले आए दी जो भी सकी माशाल्लाह
जी शाह जी है बड़ी काले मुंह वाली जी माशाल्लाह जी पिछले साल भी माशाल्लाह रात रात ये फिरते हैं इस साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह। ये टाइम की सी 8:05 थे माशाल्लाह भी दिखाओ जी। लो जी दोस्तों चेक करो जी 8:05 माशाल्लाह बहुत उम्दा बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। पर ये भी दिखाओ जी माशाल्लाह सेम जी ठीक हो गया जी माशाल्लाह। तो जी ये 11 कबूतर खलीज के चैंपियन माशाल्लाह जी जी शाह अमर भाई जी ये काले मुंह वाला कबूतर है मेरा जी पिछले साल बहुत अच्छी प्रवाद बहुत बारी ओवर टाइम में बैठा लेकिन कप्पा जी मस्ती नहीं करता कप्पा घर जाना जी कप्पा इस साल सुबह उड़ाया जी मैं रात के 3 बजे उगदा छड़ के सो गया सुबह उठे जाल से बैठे कोई नागा आया जी अगले दिन छड़िया जी 10:30 बैठा जी दो नागे देख के बहुत कमजोर हो गया दो नागे देख के बन के छड़िया जी फिर 8:30 बैठा फिर एक दिन खुला छड़िया जी 9:30 बैठा कप्पा जी ने खा बहुत माशाल्लाह कप्पा वाला जेड़ा ना काम नहीं इहदे वास्ते ठीक इस वारी धोखा कर गया साडे ने थोड़ा असल को साम सेवा ही वावा कर गया सर लो जी माशाल्लाह ये देखो जी लूज हो गया ये शाह साहब के मुताबिक ये 22-23 20-20 घंटे आधी सारे बैठे ने पैरफान तारनवीद बैठे ने सारे ने पता है 10-11 बजे दी पिछले साल भी फिरता हने दी क्या बात है शाह जी दे पर दिखाओ जी असल इस दफा जरा खराका शाका नाल दे नाल लभदी एरिया ने पीछे भुखा डांदा हां थोड़ा रख के ना जी भी एक टेक्निक है जी जी जाहिर
माशाल्लाह जबरदस्त। लो जी माशाल्लाह जी आ गए हैं जी, 20-20 घंटे उड़ने वाले कबूतर भी आप देखें। शाह जी थोड़ा सा दिखाइए, वैसे थोड़ा फेस वीडियो ही लाइए मैं फेसबुक पे दिखा दे दी। माशाल्लाह सबर करना, और माशाल्लाह मेरा लाका सारा जान दे माशाल्लाह, और जेड़े साथी भरा बंदे ने आके उन्हें बहुत दफा देखा ना बटन ठीक हो गया। तीन पुराने कबूतर बैरी मार गई एक ही दिन। माशाल्लाह जी ये मेरे सलारियां भी चीनी सलारा जी माशाल्लाह बड़ा वाशिंग ने दा रिजल्ट। शाह जी माशाल्लाह रात नू जेड़ा ना खास तौर ते दोस्त अगे 10 भी रहे सन के शाह साहब बड़ी मेहनत करदे ने खासूसी तौर ते रात वास्ते कबूतर वास्ते कुछ टेक्निक नवे साडे शौकीना वास्ते ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੀਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਫਿਰਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਾਤੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਖੜਦਾ ਜੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ 30-30 ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਅਗਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਭਾ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡਾ ਚ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਅਜਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਡੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 7 ਕਬੂਤਰ 88 ਘੰਟੇ 90 ਘੰਟੇ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 90 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਨੇ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, 8ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਈ ਤੋਂ ਸੋਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਕਬੂਤਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 5-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੱਪ ਮਾਣ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ।
अल्लाह इन्हां से तंदुरुस्ती दे, जिन्ना शुक्र अदा भी करिए पहला तो अल्लाह दा फिर जबरदस्त टाइम मिलिया थोड़ा शौक करने का माशाल्लाह उस्ताद अब्दुल में मैंने तेरे सामने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे बाजिया भी बड़ी अच्छी खेल हर जगह तक नसीब होंगी लाजमी गल चैनल दाजिया अब्दुल में मैंने छुड़ाइया अलहमदुल्ला मालूम फतह दी पहली चारे फाड़ लिया और छत्त भी अच्छी लेकिन सब नसीब की गल होंगी लेकिन सारे भरा मेहनत कर लो जी इस चीज़ से एंड करने हैं शाह साहब का पैगाम कि मेहनत करो जिन्नी मेहनत करोगे उन्ना ही अच्छा फल मिलेगा ठीक है जी लो जी बड़ी मेहरबानी है जी थोड़ा बहुत शुक्रिया तुसा टाइम दिता और एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद तुहानू खसूसी तौर पर खलीज चैंपियन बनन ते जी बिल्कुल 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 चलो बहुत मेहरबानी जी एक दफा फिर ये जो कबूतर उड़ रहे थे मैं आपको दिखाता चलूं और आपके देखने का बहुत शुक्रिया जी इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और छत से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी बहुत शुक्रिया जी।